हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट स्टडी एकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तो दोस्तों, एसबीए क्लर्क मेंस का रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया। एग्जाम होके 1 मंथ से ज्यादा हुआ है, फिर भी रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड था आना है कि 15 फरवरी के आसपास ही आना है, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सो शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते कि शायद ये वीक में आपका रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि एलपीटी टेस्ट, मेडिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब प्रोसीजर 1-1.5 मंथ में होती है। तो वो हिसाब से उसका रिजल्ट जो है शायद आ सकता है ये वीक में। तो अभी हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले बात करेंगे कि एग्जाम 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो ओवरऑल दोनों शिफ्ट का हम एग्जाम देखेंगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ही एग्जाम था। बहुत इजी लेवल का तो था नहीं, सिर्फ इंग्लिश जो था दोनों शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट था, अदरवाइज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ही आपका एग्जाम जो है वो रहा है। और इवन आप ऐसे बोलोगे कि शिफ्ट 1 से ज़्यादा शिफ्ट 2 जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, या फिर शिफ्ट 2 से कंपेयर किया तो शिफ्ट 1 थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट देयर विल बी द प्रोसीजर लाइक नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा, टेंशन ना लो। तो हम लोग स्टेट वाइज अभी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। अंदमान निकोबार का ये जो भी मार्क्स मैं बोल रही हूँ जनरल के लिए बोल रही हूँ, और उसके बाद ये जो है वो करेक्ट मार्क्स, मतलब एग्जैक्ट मार्क्स, यू डोंट एक्सपेक्ट द एग्जैक्ट मार्क्स, प्लस और 3 माइनस 3 मार्क्स हो सकता है। और दूसरी बात, मैं और एक बात बताती हूँ, अगर एक स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि कट ऑफ जो है बाकी के स्टेट को कंपेयर किया तो कम रहती है। अगर एक स्टेट है, आप सपोज कर सकते हो आसाम, तो आसाम में अगर वैकेंसी सिर्फ एक 220 वगैरह वैसा कुछ है तो वहाँ पे वैकेंसी कम है तो आपकी कट ऑफ जो है हाई जाती है। तो बेसिकली जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा तो कट ऑफ कम, और वैकेंसी कम तो कट ऑफ बहुत हाई रहती है। तो ये एक नॉर्मल था। उसके बाद स्टेट वाइज देखेंगे, अंदमान निकोबार 88 प्लस और माइनस 3, आसाम 83, चंडीगढ़ जो है 95। देर आर सम स्टेट्स की उनका जो कट ऑफ रहता है मोस्टली 90 के अबव ही रहता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, तेलंगाना। तो समटाइम्स देर विल बी लाइक अबव 90 ही रहता है। तो देखेंगे आसाम में 83 प्लस और माइनस 3, छत्तीसगढ़ 95 प्लस और माइनस 3, दिल्ली 91, उसके बाद गुजरात 82, हरियाणा 95, हिमाचल प्रदेश 90, कर्नाटका 80, केरला 89, एमपी 86, महाराष्ट्र 83, ओडिशा 92, पंजाब 93, राजस्थान 88, 86, तमिलनाडु, तेलंगाना 85, यूपी 88, उत्तराखंड 89, वेस्ट बंगाल 84। तो बेसिकली ये जो कट ऑफ मैंने बताया ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए बताया, प्लस और माइनस 3 मार्क्स, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मार्क्स दैट कट ऑफ विल कम। प्लस और माइनस 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स आपका आ सकता है। सो बेसिकली दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो रिजल्ट का भी हम लोग इंतजार, शायद जल्दी खत्म होने वाला है आपका, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। बट रादर देन वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द फर्दर एग्जाम्स। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।